आदिवासियों ने जिस सोच के साथ वहाँ सरकार बनाई वो पूरी तरह से झारखंड के आदिवासियों की चिंता करने के बजाय केवल हेमंत ने अपने परिवार की चिंता की, और यही कारण है कि उनके भ्रष्टाचार का, उनके अराजकता का, वहाँ के युवाओं और छात्रों के साथ जो व्यवहार हुआ, जिस प्रकार से कई छात्र और युवा एग्जाम के दौरान मृत्यु हुए, ये पूरी तरह से सरकार की नाकामी को दिखा रहा है। डेवलपमेंट जीरो पर रहा, करप्शन 100% रहा, तो ऐसे सरकार को जनता उखाड़ फेंकेगी। और निश्चित रूप से NDA भाजपा की सरकार झारखंड में भी बहुत जल्द आप देखेंगे 23 नवंबर को वो रिजल्ट जो आएगा। बड़ी जिम्मेदारी दी गई है खास करके मुख्यमंत्री की विधानसभा। नहीं नहीं, हम लोग सबको जो कुछ ना कुछ विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है बोकारो से लेकर कई जगह का है, और हम लोग का पूरा प्रयास है कि हेमंत सोरेन का सरकार जो विफलता है उसको जनता तक पहुँचे, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और देश में जिस प्रकार से विकास की योजनाएं चल रही हैं, झारखंड में भी विकास नहीं, लेकिन आप लोग हेमंत सोरेन पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, यहाँ पे RJD जो है आप लोगों पर परिवारवाद का आरोप लगा रही है, दीपा मांझी को टिकट दिया गया। भैया एक ही परिवार के चार चार लोग नहीं है राजीव सिंह, हमारे यहाँ अर्जुन मुंडा जी के पत्नी को दिया गया तो अर्जुन मुंडा नहीं लड़ रहे हैं। झारखंड वासियों ने जिस सोच के साथ वहाँ सरकार बनाई वो पूरी तरह से झारखंड के आदिवासियों की चिंता करने के बजाय केवल हेमंत ने अपने परिवार की चिंता की, और यही कारण है कि उनके भ्रष्टाचार का, उनके अराजकता का, वहाँ के युवाओं और छात्रों के साथ जो व्यवहार हुआ, जिस प्रकार से कई छात्र और युवा एग्जाम के दौरान मृत्यु हुए, ये पूरी तरह से सरकार की नाकामी को दिखा रहा है। डेवलपमेंट जीरो पर रहा, करप्शन 100% रहा, तो ऐसे सरकार को जनता उखाड़ फेंकेगी। और निश्चित रूप से NDA भाजपा की सरकार झारखंड में भी बहुत जल्द आप देखेंगे 23 नवंबर को वो रिजल्ट जो आएगा। बड़ी जिम्मेदारी दी गई है खास करके मुख्यमंत्री की विधानसभा। नहीं नहीं, हम लोग सबको जो कुछ ना कुछ विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है बोकारो से लेकर कई जगह का है, और हम लोग का पूरा प्रयास है कि हेमंत सोरेन का सरकार जो विफलता है उसको जनता तक पहुँचे, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और देश में जिस प्रकार से विकास की योजनाएं चल रही हैं, झारखंड में भी विकास। नहीं, लेकिन आप लोग हेमंत सोरेन पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, यहाँ पे RJD जो है आप लोगों पर परिवारवाद का आरोप लगा रही है, दीपा मांझी को टिकट दिया गया। भैया एक ही परिवार के चार चार लोग नहीं है राजीव सिंह, हमारे यहाँ अर्जुन मुंडा जी के पत्नी को दिया गया। तो अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार, नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल, एक्रेडिटेड बाय IAO एंड एफिलिएटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, लिस्टेड इन WHO।